हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मित्र अनिरुद्ध तिवारी। दोस्तों, एक छोटी सी चर्चा के लिए आज आया हूँ, क्योंकि आज बहुत ही बड़ा डिसीज़न हमारे प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और दोस्तों, ये डिसीज़न लोग इसे बोल रहे हैं, हमें इतनी समस्याएं हो रही हैं, हम कैसे रहेंगे किस दिन। जी नहीं दोस्तों, आप एक बार ये तो सोचो कि ये किसके लिए किया जा रहा है। आपके लिए किया जा रहा है, सो दैट आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, ये दुनिया सुरक्षित रहेगी। अगर आप सुरक्षित नहीं होंगे तो ये देश भी फिर नहीं रहेगा ना दोस्तों। लोग बोलते हैं सर, इकोनॉमी डाउन है, मार्केट क्रैश हो गया है, बिजनेस हाउसेस बंद हो रहे हैं, हम अपनी सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं, अपनी ऑडिट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, अभी बैंक ऑडिट नहीं कर पा रहे हैं, सर कैसे करें। सर मुझे एक बात बताओ, आप ये सब कर क्यों रहे हो? आप किस लिए इस होड़ में भाग रहे हो, इस दौड़ में क्यों लगे हुए हो, इतने इनकम के लिए क्यों कर रहे हो? अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए? सर जब आप बोलते हो कि फैमिली के लिए टाइम नहीं है, और आज आपके पास वो चांस है व्हेन यू कैन स्पेंड योर गुड टाइम विद फैमिली, तो आप बोल रहे हो नहीं सर हमें परेशानी है। क्यों सर परेशानी क्यों है आपको? सर यही तो समय है जब आपको एक अच्छा समय अपने परिवार को, अपने जो घर के मेंबर्स हैं उनके साथ स्पेंड करने हैं। दोस्तों जो आपके बाहर के मित्र हैं, मार्केट में क्लाइंटेल हैं, उनसे दूरियां बढ़ानी है। आज फोन में आप बात करो लोगों को, अगर आप बोलते हो कि मैं बिना बात के नहीं रह सकता हूं, सर फोन में बात कर लो, वीडियो कॉलिंग कर लो, लेकिन फिजिकली जाके किसी से नहीं मिलना है। ये चेन को सर ब्रेक करना है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए ही आपको 21 दिन मिले हैं। इस 21 दिन में आपको दिखा देना है सर कि ये हमारी लड़ाई है, किसी एक इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारत की लड़ाई है, पूरे विश्व की लड़ाई है। हम सब मिलके लड़ेंगे और हम जीत के दिखाएंगे। जब आप घर पे रहेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे, ये देश सुरक्षित रहेगा सर। और ये देश सुरक्षित रहेगा तो कोरोना भी सोचेगा यार क्या हो गया, हम तो यहाँ पे जीत नहीं पाए, ये भारत के लोग हैं ना, इन्होंने हरा दिया। तो जब हम यूनाइट होके चलेंगे, हम इस गवर्नमेंट के जो डिसीजन है उनको सपोर्ट करेंगे, जो गतिविधियां हैं उनको कंट्रोल करेंगे सर, तभी हम इससे जीत सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक ये नया पहलू आ रहा है कि सर मेरे पास इतना टाइम है, पास नहीं होता। सर आप इसका पॉजिटिव वे लेके देखो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास इतना बफर टाइम है कि आप अपनी स्टडीज कर सकते हो। आईसीआई हो सकता है अगर एग्जाम पोस्टपोन करता है, नहीं करता है, आई डोंट नो, बट आपके पास टाइम तो है पढ़ने के लिए, नो डिस्ट्रैक्शन, कोई आपको तंग नहीं कर रहा। अगर आप जॉब वाले हैं, आपको रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता, आपका ट्रेवलिंग का टाइम बच रहा है, आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, खुद को डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करो सर इस टाइम का। जो लोग प्रैक्टिशनर हैं सर, आप खुद को और डेवलप करो कि आप अपने क्लाइंट्स को कैसे वैल्यू एडिशन कर पाओगे जब इस समस्या से आप बाहर निकलोगे। 21 दिन बाद या अगर और डिले होता है उसके बाद जब आप स्टार्ट करोगे, अपना ऑफिस जाना शुरू करोगे, क्लाइंटेल से मिलोगे, देन हाउ यू विल एड वैल्यू सर, इस पे टाइम आप लगाओ तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप सिर्फ समस्याओं के बारे में सोचेंगे तो समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन अगर इन समस्याओं को ना सोच के समाधान के बारे में सोचेंगे, तो समाधान निकलेगा सर। आपको इन समस्याओं को सोचने का ही टाइम नहीं मिलेगा जब आप अच्छाइयों और पॉजिटिव वे में आप इसको लेके जाएंगे। आप दिन में घर पे रहते हैं, घर वालों के साथ रहते हैं, बाहर के लोगों से आपको नहीं मिलना, सर करना क्या है? सर आपको बताया ना, अपनी चीज, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, हाथ जरूर धोना है सर आपको। 2 घंटे में आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसके बाद आप हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए, अच्छे से हाथ धुलना है, 20 सेकेंड कम से कम हाथ धुलना है, दूसरों से बिल्कुल भी नहीं मिलना है, घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना है। इस 21 दिन ये नया प्रण आपको लेना है कि मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाऊंगा। अगर आपको कुछ फ्रेंड्स पार्टी के लिए भी इनवाइट करते हैं, बोल दो नहीं जी नहीं। आज अगर हम थोड़ा दूरियां बना लेंगे तो कल हम उन्हीं दूरियों को नजदीकियों में बदल पाएंगे, लेकिन आज अगर आप उन दूरियों को नजदीकियों में बदल दिया तो आप हमेशा के लिए दूर हो जाओगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा बोला कि अगर ये 21 दिन आपने सहयोग नहीं किया, अगर आप हमारे साथ नहीं रहे, तो हमारा देश 21 सालों पीछे चला जाएगा दोस्तों। तो क्या आप यही चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सर, हमें गर्व है अपने भारत देश पे, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पे, हम सब भारतीय पे हमें गर्व है, तो हम साथ लड़ेंगे और पक्का पक्का इस जंग को जीतेंगे। तो दोस्तों रहा ना वादा, चलिए जय हिंद जय भारत।